अनअकैडमी ला रहा है 60 डेज़ का क्रैश कोर्स लाइफ साइंसेस के लिए, जो कि होगा आपका इंग्लिश में, और ये स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल को। इस जो है क्रैश कोर्स को लीड कर रहे हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स चंद्रशेखर चपराला, सरन्या वी और देवाशीषकर। ये जो टॉप एजुकेटर्स हैं डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके लाइफ साइंसेस के लिए, CSIR UGC नेट वाले, वो इस क्रैश कोर्स में सारे जो हैं कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही 60 डेज़ का क्रैश कोर्स आपका मैथमेटिकल साइंसेस के लिए भी है, और ये भी जो है इंग्लिश का है, ठीक है। ये भी 7 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, और ये लीड कर रहे हैं अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स राजेंद्र राजपुरोहित, डॉली कलरा और पंकज कुमार। यहाँ भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे CSIR UGC नेट वाले। ऐसे ही अनअकैडमी ला रहा है अनअकैडमी एक्सेलरेट, जहाँ पे आपके पास चांस है कि आप 100% स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं एक ईयर के सब्सक्रिप्शन वाले, जो कि होगा आपका CSIR UGC नेट के लिए, ठीक। तो डेट याद रखिएगा, अप्रैल 11th संडे को 12 बजे से लेके 1:15 तक ये जो होगा आपका टेस्ट फॉर मैथमेटिकल साइंसेस, 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। और रैंक एक आता है अगर आपका, तो 100% स्कॉलरशिप ऑन 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। रैंक 2 to 10 आता है तो 75% स्कॉलरशिप ऑन 6 मंथ एंड 1 ईयर सब्सक्रिप्शन। रैंक 11 to 35 तो 50% स्कॉलरशिप। रैंक 36 to 150 आता है तो 25% स्कॉलरशिप। टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ऐसे ही सेम आपका अनअकैडमी एक्सेलरेट लाइफ साइंसेस के लिए भी है, सेम डेट को सेम टाइम 30 क्वेश्चन विथ सेम बेनिफिट्स। रैंक 1 होल्डर को 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2 to 10 75%, रैंक 11 to 35 50% स्कॉलरशिप एंड रैंक 36 to रैंक 150 आपको 25% का स्कॉलरशिप मिलता है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए, और अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो एनरोल आज ही कीजिए। आपको सारे का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। है ये क्या है, लेग्यूम वाले। एक और आता है बैक्टीरिया एस्टोबैक्टर, वो सुगर केन के साथ क्या करता है, सिम्बायोसिस बना के रहता है और वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये सारी कहानी हो गई, ठीक। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है कि एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम नाइट्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं। यही जो होता है ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं तो इनके अंदर तो भाई कुछ ना कुछ मशीनरी होगी ही, तो ये जो मशीनरी है इसमें यही एंजाइम का यूज किया जा रहा है। इन सब के पास नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ठीक, विच इज द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। मैंने आपको क्या बोला था, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, भूल गए हो तो आप एक बार फिर से याद कर लीजिए, ठीक। रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया एंड अ प्रोसेस वाइटल टू सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि ये मतलब मैंने आपसे बोला है इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अर्थ पे अगर लाइफ आपको सस्टेन रखना है। अब ये देखिए, जो डाइजोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो नाइट्रोजन को ईट कर रहे हैं, ये सब सारे डाइजोट्रॉप्स भी कहलाते हैं इसे, ये जो ऑर्गेनिज्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले। तो कहीं पूछ सकता है डाइजोट्रॉप्स आर, तो ये डाइजोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से मतलब नाइट्रोजन ईटर्स कैन फिक्स नाइट्रोजन बिकॉज दे प्रोड्यूस दिस एंजाइम। कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजनेज। कोई पूछे ना बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, आप सीधे बोल दीजिएगा नाइट्रोजनेज, ओके। Most nitrogen fixing organisms studied so far produce a molybdenum containing nitrogenase. अब देखिए important, nitrogenase enzyme जो है अभी तक जितने भी बहुत सारे मतलब mostly जो भी nitrogen fixing organism है उनका study किया गया है, तो ये जो nitrogenase enzyme होता है इसमें molybdenum होता है। तो आपने पढ़ा होगा macronutrient, micronutrient ये सब, भाई कहीं ना कहीं उनका काम तो लगता होगा, तो ऐसे molybdenum का काम यहाँ पे लग गया, nitrogenase enzyme का ये वो है कॉन्स्टिट्यूएंट है समझ लीजिए, ठीक। तो ये जो नाइट्रोजनेज होता है इसमें मॉलिब्डेनम होता है। इन एडिशन इसके अलावा भी कह रहा है, सम ऑर्गेनिज्म हैव अल्टरनेटिव सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस अ वैनेडियम कंटेनिंग नाइट्रोजनेज या आयरन ओनली नाइट्रोजनेज। कह रहा है मॉलिब्डेनम तो मोस्ट कॉमन है, पर इसके अलावा कभी कभी वैनेडियम भी पाया जाता है नाइट्रोजनेज में, मतलब मॉलिब्डेनम नहीं रहेगा वहां पे, मॉलिब्डेनम की जगह वैनेडियम रहेगा, या केवल आयरन ही रहेगा नाइट्रोजनेज में, ठीक है, दोनों नहीं रहेंगे। तो ये हो गया, ठीक।
अब जो एमओ कंटेनिंग नाइट्रोजिनेज हैं, जो मोस्ट कॉमन नाइट्रोजिनेज एंजाइम, मतलब समझ लीजिए नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात कर रहे हैं, जो मोस्ट कॉमन है मॉलिब्डेनम कंटेनिंग नाइट्रोजिनेज, अब वो भी दो ऑक्सीजन सेंसिटिव कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। एक को हम एमओएफई प्रोटीन बोलते हैं और एक को एफई प्रोटीन बोलते हैं। मतलब आप समझ लीजिए जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है ये क्या है, दो यूनिट का मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, दो कंपोनेंट्स का मिलके बना हुआ होता है। एक में क्या रहता है, मॉलिब्डेनम और क्या आयरन, और दूसरे में केवल आयरन रहता है। अब ये जो मैंने आपको बोला कहीं पे मॉलिब्डेनम होगा कहीं पे वेनेडियम होगा, तो यही मॉलिब्डेनम की जगह पे वेनेडियम चला आया जो लेस कॉमन है, या कभी कभी मॉलिब्डेनम ही नहीं रहेगा, केवल एफ ही एफ ही रहेगा। तो टुगेदर अंडर आइडियल कंडीशन दे कैटलाइजेस द फॉलोइंग रिएक्शन, कह रहा है ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, अब ये तो कंपोनेंट हमने पढ़ लिया, जब भी आइडियल कंडीशन होगा तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का यही रिएक्शन होता है। N2 गैस तो आपको एटमोसफेयर से चाहिए ही, साथ में आपको क्या चाहिए, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें अगर आपको ये ना याद होता हो तो N2 का 2 ले लीजिए, आप छोड़िए इसे 8 8, इसको 16 इसे जोड़ के यही लिख दीजिएगा, ठीक, 8 ये 8 ये, और फिर 16 ATP लगता है इसमें, और ये कन्वर्ट हो जाए कितने, आपको 2 NH3 मिल जाएगा इससे, ठीक। एक नाइट्रोजन फिक्स करेंगे 2 NH3, क्यों क्यों 2 NH, मतलब आपने जब नाइट्रोजन तोड़ रहे हैं तो भाई इधर 2 N है ना, जब 2 N है तो 2 N का यूज होगा ही होगा, तो 2 NH3 मिलेगा, 1 NH3 में 1 N, दूसरे NH3 में दूसरा N, तो ऐसा होगा तो 2 NH3 बनेंगे, ठीक। वहां पे 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 16 ATP, ठीक है, फिर हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा वहां पे, ओके, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना हुआ, 16 ATP निकल गया, सोडा PI निकल गया, ये सब कैलकुलेशन आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा, 8 + 8 + 16, और फिर हाइड्रोजन गैस निकाल दीजिएगा, 16 ATP जब यूज हुआ है तो ये तो ब्रेक हो ही जाएगा बॉन्ड, तो 16 ADP बन जाएगा, 16 ATP से 16 ADP + PI बन जाएगा, ये इस वाली कहानी से आ रहा है। बाकी इधर आप देखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे H है 3H, पर 2H3 है, 2 NH3 है, तो मतलब ये 6 हाइड्रोजन इधर हो गया और 2 हाइड्रोजन ये मतलब प्रोटॉन इसमें लग गया, ठीक, तो 8 हो गया, ये 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, यहाँ पे ये जो 6 है मतलब 2 NH3 में 6 एच है ना, तो एच किससे बनता है, प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, तो ये हो गया इधर 6 यूटिलाइज हो गया, बाकी इसमें 2 यूटिलाइज नहीं होगा, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, उसी से ये H2 निकल रहा है, ठीक। ये कहानी हो गई फिक्सेशन की, यही थी, ये सब ऑर्गेनिज्म याद रखिएगा, नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या होता है, मॉलिब्डेनम किस में होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, एमओएफई प्रोटीन एफई प्रोटीन। अब रिलीज की हम बात कर लेते हैं, फिक्स तो कर लिया, थोड़ी सी और कहानी है, मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा। अब समझ लीजिए ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, मतलब क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो आपको डिफ्रेक्शन के हिसाब से मैंने बताया, अब यही बताया था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का NH3 में कन्वर्जन होना, अमोनिया में कन्वर्जन होना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो अभी यही कहानी छोड़िए, अब मैं थोड़ा सा प्लांट इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं NH3 को, NH3 बन गया मतलब क्या हो गया, कैसे भाई, कहाँ कहाँ DNA में कहाँ चला गया, एमिनो एसिड में कहाँ कैसे जाता है, ये तो कहानी मैंने बताई नहीं, तो मैंने बताया भी नहीं आपसे, ये लास्ट में डिस्कस करूंगा। बस ये समझ लीजिए अगर NH3 आ गया तो प्लांट इसको एब्जॉर्व कर लेगा, बाकी कहानी प्लांट के अंदर होगी, वो थोड़ा सा मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी मैंने दो आपको वही बताया ना आउटलाइन में, पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन फिर उसका रिलीज कैसे होता है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन बता दिया, अब थोड़ा सा आपको रिलीज के बारे में बता देता हूँ कि अमोनिफिकेशन क्या होता है। मान लीजिए अभी मैंने आपको कहानी बताई नहीं है, मान लीजिए जो यहाँ पे एमिनो एसिड बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन होगा वो बन जाएगा प्लांट्स के अंदर भी, प्लांट को कोई एनिमल खाएगा उसके अंदर भी, ये सब सारी चीज़ें चली जाती हैं नाइट्रोजन, ठीक। तो जब भी उस चीज़ जब वो चीज़ जो भी होगा प्लांट एनिमल, उसका डेथ होता है, जब डेथ होगा तो अमोनिफिकेशन होता है। मतलब मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे देखिए NH3 बन गया, अब NH3 आगे चल के एमिनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड या जो भी जहाँ पे भी नाइट्रोजन लगेगा जिसके कंपोनेंट होगा वो बन जाएगा। अब इस चीज़ का जब डेथ होगा तो यही जिससे बना था वही इसमें ये बने, मतलब अब उसी का उल्टा चलेगा, ठीक है।
मान ले ये आगे चल के मैंने बोला ना एमिनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड बनेगा, वो आगे थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। तो ये जब बन गया तो इसी को तोड़ना ही अमोनिफिकेशन, मतलब अमोनिया में कन्वर्जन करना एमिनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड का अमोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक, क्लियर? दिस प्रोसेस इज डन बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अब जो जो ऑर्गेनिज्म या जो बैक्टीरिया इस प्रोसेस को कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? अमोनिफाइंग। ठीक, जैसे इसका एग्जांपल क्या है? बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस वल्गैरिस और बैसिलस रैमोसस। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये तो आप याद ही रखेंगे, नॉन सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक के एग्जाम्पल जो जो हैं। और ये भी पूछा जाता है कॉमनली, और लोग इसमें कम कन्फ्यूज होते हैं, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि अमोनिफिकेशन में कौन था यार मैं भूल गया, नाइट्रिफिकेशन में कौन था यार मैं भूल गया, डीनाइट्रिफिकेशन में क्या है मैं तो भूल गया। जैसे मैंने आपको बताया ना, जब ऑर्गेनिज्म बन जाएगा उसका डेथ होगा, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि इसका कन्वर्जन होना अमोनिया में, और अमोनिया ही बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमें लास्ट में मिला था। तो वही आगे चल के डीएनए और ये सब अमीनो एसिड वगैरह बनाता है, और जब ऑर्गेनिज्म का डेथ हो रहा है तो उसी से अमोनिफिकेशन करने के लिए भी डायरेक्ट डीएनए अपने आप तो ऐसे हो नहीं जाएगा कि भाई एनएस3 निकला जा रहा है, उड़ गया, थोड़ी सी गर्मी लगी उसे, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का रोल रहेगा। तो वही बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस वल्गैरिस और बैसिलस रैमोसस जो ऑर्गेनिज्म हैं ये इसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। ठीक, अब देखिए अभी अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं फिर से गैस बनाने के लिए, मैंने आपसे बोला ना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो एनएस3 जो है अमोनिया का कन्वर्जन किस में होता है? नाइट्रेट और नाइट्राइट में। ठीक, इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो अमोनिया जब बना इनसे तो अमोनिफिकेशन, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके नाम पे है, अमोनिया बना तो अमोनिफिकेशन, नाइट्रेट नाइट्राइट बना तो नाइट्रिफिकेशन। ठीक, अब अमोनिया का नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्जन नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अब जो ऑर्गेनिज्म इसको कर रहे हैं उसको क्या क्या हम बोलेंगे? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब देखिए नाइट्रीफाइंग, नाइट्री नाइट्री लगा है तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनका भी स्टार्टिंग में नाइट्रो नाइट्रो लगा है, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोसोकॉकस। लेकिन देखिए इसमें एक चीज आपको याद रखना है, ये नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकॉकस हैं, ये क्या करते हैं? अमोनिया को, अमोनिया डायरेक्ट जो है नाइट्रेट में नहीं कन्वर्ट हो जाता। ठीक, अमोनिया डायरेक्ट नाइट्रेट में नहीं कन्वर्ट, पहले ये नाइट्राइट, मतलब पहले पहले NO2 बनेगा फिर NO3 बनेगा। ठीक है, तो वही, तो ये जो है NS3 का NO2 में कन्वर्जन होना, इसमें नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकॉकस लगते हैं, और जो नाइट्रोबैक्टर है वो नाइट्राइट को, देखिए ट्राइट मतलब टू, उसको थ्री में कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर। इसको याद करने का आपको एक तरीका बता दूं, जब भी आपसे पूछा जाए कि नाइट्रिफाइंग ये वाला, तो आप कैसे याद रखेंगे? ये वाला इसमें लगता है, ये वाला इसमें, तो आप यही याद रखिए, अमोनिया पहले NO2 में कन्वर्ट होता है फिर NO2 NO3 में कन्वर्ट होता है, ये आपको याद रखिए। अब इस वाले से इसमें जो बी लगा, नाइट्रोबैक्टर लगा है, इसमें सोमोनास है सोकोकस है, तो जो बी है वो बी नंबर पे आएगा, मतलब दूसरे नंबर पे आएगा। नाइट्रोबैक्टर विल बी कन्वर्टिंग नाइट्राइड इंटू नाइट्रेट। ठीक, तो इससे याद, अब देखिए जब आपका नाइट्राइट और नाइट्रेट बन गया तब इससे हम इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, और ये क्या है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रिफिकेशन का, डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब नाइट्रोजन गैस अब डायरेक्ट बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जो होता है जो ऑर्गेनिज्म करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? माइक्रोकॉकस डीनाइट्रिफिकेंस, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो इसको याद करने में समस्या नहीं है आपको, कोई भी अनयूजल मिले, बैसिलस माइकोइडिस, बैसिलस वर्गेरिस, बैसिलस रेमोसस, ये अनयूजल है, इसमें कोई कहानी दिक्कत की बात नहीं है। अमोनिफिकेशन हो रहा है तो ये आ जाएंगे, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है तो डीनाइट्रिफिकेंस, डीनाइट्रिफिकेंस के नाम में है ये, तो इसको याद करने में कोई ट्रबल नहीं। इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा स्टेप वाले में, केवल कौन पहले कौन बाद में, मैंने इसके लिए भी आपको बता दिया। नाइट्रोबैक्टर से आप याद रखिएगा कि ये बी पोजीशन पे काम करेगा, मतलब दूसरे पोजीशन पे काम करेगा। तो यही है, फिक्स हुआ रिलीज हुआ, फिक्स में क्या था, फिक्स में आपने क्या देखा? फिक्स में आपने देखा कि नाइट्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है डायरेक्ट अमोनिया में, यहाँ आपको डिटेल नहीं दिया गया। ठीक, और फिर रिलीज में क्या देखा? अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में। तो यही है, ठीक, तो यही सारा प्रोसेस था आपका, जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे टूट भी जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए, यही सब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, कुछ चीज़ें आपके नॉलेज के लिए मैं दे देता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ठीक,
प्लांट जो होता है यूटिलाइज करता है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में, कोई कभी भी पूछे तो नाइट्रेट या नाइट्राइड के फॉर्म में, ठीक, उसी को लेता है वो खुद से, वो उसको NH3 में कन्वर्ट करता है, ठीक। अब जो नाइट्रेट रिडक्टेज है, देखिए नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम होता है जिस मॉलिबिडो एंजाइम है, ये क्या करता है नाइट्रेट रिडक्टेज, ये जो आपका नाइट्रेट है उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, नाइट्राइट नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। दिस रिएक्शन इज क्रिटिकल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन मोस्ट क्रॉप प्लांट्स। जो आपका नाइट्राइट में बन जाता है, नाइट्राइट फिर यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। ऊपर क्या था, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया क्या, हाँ एक चीज ये भी आप स्टेप याद रखिएगा, जो नाइट्रिफिकेशन अमोनिया का पहले नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है, मतलब NO3 में, उसके बाद NO2 बनता है। तो पहला वाला जो प्रोसेस क्या है, ये अमोनिया का नाइट्राइट में कन्वर्ट होना, NO2 नहीं, यही है, पहले ये बनता है, ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चलिए दिस रिएक्शन इज क्रिटिकल फॉर द प्रोडक्ट, तो यही है, इससे वो हो जाएगा, मतलब इम्पॉर्टेंट है, दिस अकर्स इन साइटोसॉल। अभी देखिए साइटोसॉल में होता है ये प्रोसेस, मतलब NO3 का NO2 में जो कन्वर्जन होता है, ये कहाँ पे होता है, साइटोसॉल में होता है प्लांट्स के। अभी आप इसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज ये भी दो सब यूनिट का बना हुआ होता है, ईच कंटेनिंग 3 प्रोस्टेटिक ग्रुप, और एक दो आइडेंटिकल सब यूनिट का बना रहेगा, और ईच सब यूनिट कंटेन्स क्या रहेगा, FAD रहेगा, हीम रहेगा, मॉलिब्डेनम रहेगा, ठीक है। द नाइट्राइड, अब जो नाइट्राइड बना, मतलब क्या नाइट्राइड का मतलब NO2 जो अब आपका बन गया, अब उसको रिड्यूस किया जाता है अमोनिया में। तो देखिए स्टेप यही है, आपका क्या बना, NO3, NO3 से NO2 बना। अब NO2 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मतलब यही है, प्लांट को अगर NO3 मिल जाए तो उसको इसमें कन्वर्ट कर लेता है, ये मिल जाए तो उसको उसमें कन्वर्ट कर लेगा NH3 में, जो मैंने आपसे बोला था, ठीक। इसीलिए ये प्लांट यूटिलाइज करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को, क्योंकि इसे सक्षम रहते हैं कन्वर्ट करने में अमोनिया में, ठीक है। अब ये सारी कहानी हो गई दिस रिएक्शन। दूसरा, अब जो नाइट्राइड बना, मतलब NO2 जो बन गया, ठीक है, नाइट्रेट से नाइट्राइड बन गया, मतलब 3 से 2 बन गया। अब 2 को किस में कन्वर्ट करना है, अमोनिया में। इसे कौन कन्वर्ट करता है, मतलब जो नाइट्राइट है आपका, ये जब बन गया NO2 इज इमीडिएटली रिड्यूस टू अमोनिया, उससे अमोनिया बना लिया जाता है बाय द एक्टिविटी ऑफ नाइट्राइट रिडक्टेज। देखिए जिस पे काम हो रहा है उसी के ऊपर नाम पड़ा है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करना था, ये प्रोसेस कहाँ हुआ, प्लांट के साइटोसॉल में, इसको नाइट्रेट रिडक्टेज ने किया, मतलब जो रिड्यूस हो रहा है वो नाइट्रेट रिड्यूस हो रहा है, तो नाइट्रेट रिडक्टेज लगा जिसको रिड्यूस करना है। और दूसरे प्रोसेस में NO2 को किस में कन्वर्ट करना था, अमोनिया में कन्वर्ट करना था, तो इसके लिए नाइट्राइट रिडक्टेज, क्योंकि ये क्या है, नाइट्राइट है, तो इसको रिड्यूस किया गया। दिस रिएक्शन अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स एंड प्लास्टिड इन रूट ऑफ द सेल। ये रिएक्शन जो प्लांट्स में होता है वहाँ उसको क्लोरोप्लास्ट में होता है। पहला वाला क्या था, जो नाइट्रेट का कन्वर्जन नाइट्राइट में, ये साइटोसॉल में ही होता है। दूसरा, नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ये क्लोरोप्लास्ट में होता है लीव्स के, अगर रूट्स की बात करें तो प्लास्टिड में होता है। दिस एंजाइम इज कंसिस्ट ऑफ, आप जो दूसरा एंजाइम की बात हो रही है, पहला एंजाइम क्या था, जिन्होंने आपसे बोला कि ये जो नाइट्रेट रिडक्टेज के मैंने आप बारे में आपको बताया था कि ये दो आइडेंटिकल सब यूनिट के बने हुए होते हैं, इसमें यही 3 प्रोस्टेटिक ग्रुप पाए जाते हैं, FAD, हीम और मॉलिब्डेनम। दूसरा जो एंजाइम है ये केवल सिंगल पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है, और इसमें 2 प्रोस्टेटिक ग्रुप रहते हैं, एक क्या रहता है आयरन सल्फर क्लस्टर रहता है Fe4 और S4, और दूसरा एक हीम होता है, स्पेशलाइज हीम, ठीक। तो ये कहानी हो गई, प्लांट सेल अवॉइड अमोनियम। अब देखिए अमोनियम भी बन गया, टॉक्सिसिटी बाय रैपिडली कन्वर्टिंग द अमोनियम जनरेटेड फ्रॉम नाइट्रेट असिमिलेशन और फोटो रेस्पिरेशन इंटू एमिनो एसिड। कह रहा है अब ये जो अमोनिया हो गया ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, जिसे तुरंत क्या करता है प्लांट कन्वर्ट कर देता है, किस में, कन्वर्टिंग द अमोनियम जनरेटेड फ्रॉम नाइट्रेट असिमिलेशन, मतलब जो उसने नाइट्रेट का असिमिलेशन किया, मतलब जो उसने लिया, ठीक, या तो फोटो रेस्पिरेशन में भी बनता है, वहाँ पे आप देखेंगे अमोनिया, तो उधर से भी अमोनियम,
तो उधर से भी लेके वो उसको तुरंत अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है द प्राइमरी। अब देखिए अमीनो एसिड बनने जा रहा है, आपसे मैंने क्या बोला, पहले एनओ थ्री को कन्वर्ट किया गया साइटोजॉल में एनओ टू में, फिर एनओ टू को NH3 में कन्वर्ट किया गया कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, तो आप वहाँ पे दो एंजाइम लगाए, एक तो नाइट्रेट रिडक्टेज और एक नाइट्राइट रिडक्टेज। ये सब सारी कहानी हो गई आपके पास। अभी क्या है हाथ में, अमोनिया। अब ये जो अमोनिया है इससे हम क्या बनाने जा रहे हैं, मैंने आपसे बोला अमीनो एसिड बनाने जा रहे हैं। द प्राइमरी पाथवे फॉर दिस कन्वर्जन इन्वॉल्व्स द सीक्वेंशियल एक्शन ऑफ ग्लूटामीन सिंथेटेज एंड ग्लूटामेट सिंथेज। ठीक है, अब ये जो है कि आपका अमोनिया से अमीनो एसिड बनना, इसमें दो एंजाइम लगता है, पहला तो ग्लूटामीन सिंथेटेज और दूसरा ग्लूटामेट सिंथेज। एक चीज आप ये भी याद रखिएगा, जो एंजाइम जहाँ पे सिंथेज रहते हैं वो एटीपी का यूज नहीं करते हैं, और जहाँ सिंथेटेज रहता है मतलब टी यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, तो उससे आप याद रखिएगा कि वो एटीपी का यूज करते हैं। ठीक, तो सिंथेटेज है वो एटीपी का यूज करता है, और जो ग्लूटामेट सिंथेज है वो एटीपी का यूज नहीं करता है। अब देखिए ग्लूटामेट ग्लूटामीन सिंथेटेज जो है, जिसको कॉमनली हम जीएस बोलते हैं, ये अमोनियम के साथ क्या करता है, कंबाइंस। ये किसको किसको जोड़ता है, अमोनियम को ग्लूटामेट जो आपका एक अमीनो एसिड है उसके साथ जोड़ के क्या बनाता है, ग्लूटामीन। अब ठीक है, ग्लूटामेट और ग्लूटामीन अलग अलग हैं, एक ग्लूटामेट में एक ही NH3 होता है, वहीं ग्लूटामीन में दो दो NH3 होता है, मतलब वही अमोनिया जो बाहर वाला अमोनिया था, ग्लूटामीन सिंथेटेज ने ATP की मदद से ग्लूटामेट में एक ये आपका अमोनियम जोड़ दिया, तो अब ग्लूटामेट से ग्लूटामीन हो गया। दिस रिएक्शन रिक्वायर्ड द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ATP। अब ये जो एलिवेटेड प्लास्टिड ले, जब ये ग्लूटामीन का लेवल, ये जो यहाँ पे ग्लूटामीन बना, जब इसका लेवल बढ़ने लगता है तो दूसरा एंजाइम आता है ग्लूटामेट सिंथेज, जिसको हम ग्लूटामीन टू ऑक्सोग्लूटरेट अमीनो ट्रांसफरेज कहते हैं, गोगट कॉमनली बोलते हैं गोगट। ठीक, ये आता है, ये एंजाइम क्या करता है, जो एमाइड ग्रुप है, जो ग्लूटामीन में एक NH3 है एक्स्ट्रा, ठीक, उसको क्या करता है, टू ऑक्सोग्लूटरेट एक कंपाउंड है, ठीक, उस पे ट्रांसफर कर देता है। अब जो ग्लूटामीन था वो फिर से ग्लूटामेट बन गया, और जो ऑक्सोग्लूटरेट था वो भी ग्लूटामेट बन गया, तो इसके ट्रांसफर से हमें दो ग्लूटामेट बन गए। ऐसे ही अब जो ग्लूटामेट बन गया कार्बन स्केलेटन में, समझ लीजिए आपका ये जो अमोनियम था वो आ गया, अब यही सब ट्रांसफर कर करके ये अमीनो एसिड बना लेगा। देखिए वंस एसिमिलेटेड इनटू ग्लूटामीन एंड ग्लूटामेट, एक बार जब आपका ये जो अमोनियम बना ये ग्लूटामीन और ग्लूटामेट के फॉर्म में आ गया प्लांट के अंदर, नाइट्रोजन जो होता है अदर एमिनो एसिड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। द एंजाइम दैट कैटेलाइजेस दीज रिएक्शंस आर नोन एज अमीनो ट्रांसफरेजेस। तो ये अमीनो ट्रांसफरेजेस एंजाइम होते हैं जो ग्लूटामीन और ग्लूटामेट से क्या करते हैं, यही अमोनियम लेके दूसरा अमीनो एसिड बना लेते हैं। ठीक, और एक चीज़ आप याद रखिएगा, इंडस्ट्री में जो होता है अमोनिया, मैंने आपको बोला फिजिकल प्रोसेस, ये तो मान लीजिए एटमॉस्फेरिक का मैंने आपको बताया था, लाइटनिंग वगैरह, हमारे यहाँ इंडस्ट्री में जैसे आप यूरिया खाद वाद लेते हैं, ठीक, फर्टिलाइजर लेते हैं प्लांट्स में जो डाला जाता है, तो ये सारे वहीं से नहीं है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको इंडस्ट्री में बनाया भी जाता है। ठीक, इन इंडस्ट्री में क्या होता है, अमोनिया बनाया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यूज करके अमोनिया बनता है, जिसको हम हैबर बॉश मेथड बोलते हैं। ठीक है, 1909 में ये डेवलप किया गया था। और एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो अमोनिया है NH3 है, ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है नेचुरल फिक्सेशन का, और ये फिजियोलॉजिकल pH पे क्या होता है, अमोनिया प्रोटोनेटेड रहता है, मतलब प्लस इस पे लगा हुआ होता है NH4+, तो इसे अमोनियम आयन बोलते हैं, तो आप इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। बाकी ये मैं आपको PDF दे दूंगा, आप अवेलेबल रहेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करा लेना, रख लेना अपने आप, जो भी चीज़ें हैं उसे पढ़ लेना। और आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी वीडियो इस चैनल से मिस नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई चैनल आप सब्सक्राइब किए रहते हैं तो वो जब कोई वीडियो डालता है चैनल, तो आपके पास सीधे जाता है नोटिफिकेशन, जैसे आपके पास फेसबुक या व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन मोबाइल पे आते हैं, वैसे यूट्यूब से भी आने लगते हैं, तो इससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होता और आप पढ़ते रहेंगे। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।